हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय विश्वकर्मा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और इन वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो विद दिस थॉट दैट ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। ठीक है, तो अब्दुल कलाम साहब ने ये कहा है कि ड्रीम यानी जो हमारा सपना है वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं। सपना वो है जो हमको सो नहीं ना दे। यानी हमने सपना देखा है नीड को क्रैक करने का, ठीक है, तो हमें ये सपना हमको सोने नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम रात भर रात को सोते रहे, है ना, नौ नौ दस दस घंटे सोते रहे। हमको क्या करना है, एक 6 आवर्स की सफिशियंट स्लीप लेना है, उसके बाद अपने काम पे लग जाना है। ठीक है, नीड को क्रैक करने के लिए जितनी भी मेहनत की रिक्वायरमेंट है हमको करना है, ठीक है, जितना भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस थॉट के साथ में चलते हैं अपना ये वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। क्या है, हमको इस वीडियो में प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। क्लियर है ना? तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। ठीक है, तो दो लिस्ट दिया हुआ है, एक में क्वांटम नंबर का और दूसरे में ऑर्बिटल्स का। ठीक है, तो इन ऑर्बिटल्स को हमको मैच करना है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है नीट री नीट 2022 का। क्लियर है, तो देखते हैं n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 क्या होगा। n इज इक्वल टू 2 का मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l इज इक्वल टू 1 का मतलब देखिए s p d f, है ना, s p d f होता है। तो ये पहले 0 इसका नंबर होता है, क्वांटम नंबर 0 1 2 और ये 3। तो 1 किसके लिए, l इज इक्वल टू 1, है ना, यानी सबशेल, l सबशेल का जो नंबर होता है l से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका नंबर 1 किसके साथ आ रहा है, p के साथ, यानी क्या ये क्या होगा, 2p होगा। ठीक है, n = 3 और ये l = 2, तो इसका मतलब l = 2 किसके लिए होता है, d के लिए। तो इसका मतलब ये क्या है, 3d का है। n = 3 और 0 किसके लिए होता है, s के लिए। n = 2 और l = 0, इसका मतलब ये क्या है, 2s के लिए। बस मैच कर लेते हैं। अब 2p किसका है, फर्स्ट का, a का थर्ड। ठीक है, a का थर्ड, ठीक है, a का हमारा हो गया ये थर्ड के साथ। क्लियर है, उसके बाद देखिए बी वाला ऑप्शन 3d आ रहा है, तो 3d देखिए फोर्थ के साथ आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो 3s है, 3s कौन सा है, सेकंड के साथ मैच हो रहा है, और बचा हुआ अपना फर्स्ट के साथ हो गया। तो देख लीजिए a का थर्ड, a का थर्ड, ठीक है, इसमें है और इसमें है। b का किसमें है, b का फोर्थ है, देखिए b का फोर्थ है। और उसके बाद c का किसमें है, c का सेकंड में है, तो c का सेकंड इसमें नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ये वाले में है, इसका मतलब ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ ए मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी 1.68 × 10⁵. ठीक है, 10⁵ जूल पर मोल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मिनिमम एनर्जी जो किसी एटम से, किसी एवर्जी न्यूक्लियस है, ये इसका ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस एटम से एजेक्ट आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है उसको बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। अच्छा, अब जब कोई भी रेडिएशन इस एटम पर आकर पड़ेगा तो वो क्या होगा, कम से कम सबसे पहले वर्क फंक्शन वाली एनर्जी उसमें अब्सॉर्ब होगी, उसके बाद बची हुई एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी, बाहर आएगी सामने, है ना, उसके काइनेटिक एनर्जी को बनाएगी। क्लियर है, इसका मतलब जो टोटल एनर्जी इसकी होगी इज इक्वल टू जो एच न्यू होगा इसका, है ना, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो किस में आएगा, एक तो वर्क फंक्शन में आएगा। ठीक है, वर्क फंक्शन को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 नॉट से, प्लस इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमको ये गिवन है, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे हमको वेवलेंथ दिया हुआ है, तो वेवलेंथ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी। और ये जब कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा, तो यानी कि ये चीज हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमको क्वेश्चन ने पूछा है, व्हाट इज मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। तो जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए होती है वो एनर्जी वर्क फंक्शन कहलाती है, जिसको हम फाइंड आउट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना, तो अगर हमको ये वाली ये एनर्जी दी हुई है, ये एनर्जी अगर पता चल जाए तो हम आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है,
अब हम लोग क्या करते हैं कि E इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला को यूज करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और है जो आप आसानी से सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। उस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है, और उसका फॉर्मूला होता है 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और लैम्डा को हमको एंगस्ट्रॉम में रखना है, ठीक है। तो जब इस फॉर्मूले से एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो हमको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो लैम्डा कितना दिया है, 300 नैनोमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12400 डिवाइडेड बाई 3000, क्लियर है। तो ये दो हम यहाँ से निपटाते हैं और ये हो जाएगा 4.1, ठीक है। तो 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आया हुआ है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जूल पर मोल में एनर्जी दिया हुआ है, इसकी एनर्जी, इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक तो जूल में कन्वर्ट करना है और दूसरा पर मोल में करना है ना। तो हमको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, है ना, 19 जूल। अच्छा, अब इसके बाद हमको क्या करना है, और पर मोल फाइंड आउट करना है। तो अगर पर मोल करना है तो क्या करेंगे, एक तो पहले इसको, इस एनर्जी को हम 4.1 को 1.6 × 10⁻¹⁹ क्या कर देंगे, जूल। अब ये क्या आ गया, जूल पर एटम में आ गया, ठीक है, इतनी एनर्जी, क्लियर है। अब हमको जूल पर मोल में करना है, तो जूल पर मोल में करने के लिए एक, ये ठीक है, एक एटम की है, और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 × 10⁻²³ मोल्स होते हैं। तो इसका मतलब उतने एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.1 × 10⁻¹⁹ मल्टीप्लाइड बाई 6.022 × 10⁻²³। अब ये क्या हो गया, जूल पर मोल ये वाली एनर्जी हो गई, ये बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये जूल में, अब ये जो एनर्जी आएगी, इस एनर्जी में से अगर हम काइनेटिक एनर्जी को घटा दें तो ये वाली एनर्जी हमको मिल जाएगी, है ना। तो ये वाली जब एनर्जी, इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू जो आता है वो आता है 3.93, ठीक है, 3.93 × 10⁵, ठीक है, जूल पर मोल, है ना, यूनिट तो वही रहेगा, क्लियर। अब ये आ गया, अब हम क्या करते हैं, बस ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ इसको अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू फाई नॉट माइनस काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से फाई नॉट को फाइंड आउट करना है, तो E माइनस क्या हो जाएगा, फाई नॉट, यानी एनर्जी हमारी आई है 3.93 × 10⁵, ठीक है, और इसमें से माइनस करना है किसको, काइनेटिक एनर्जी को, जो कि दिया हुआ है 1.68 × 10⁵, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं, घटाते हैं, तो आता है हमारा 2.31 × 10⁵ जूल पर मोल, ठीक है। ये हमारा क्या आया, वर्क फंक्शन आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इसको ध्यान रखना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, ये भी नीट 2022 का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट, है ना। जब फ्री स्टेट में होते हैं तो जितने भी पांचों ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके 3D ऑर्बिटल्स होते हैं, उन सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, क्लियर हो गया। इसका मतलब ये क्या है स्टेटमेंट, ये सही स्टेटमेंट है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, द शेप ऑफ डी एक्स वाई वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। तो इनके तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये एक्सिस के बीच में होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये ऑर्बिटल्स कैसे हमको मिलेंगे, ये सिमिलर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, एंड डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर, डी एक्स टू वाई टू और डी जेड टू के ये सिमिलर नहीं होते हैं, ये सिमिलर नहीं होते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्लियर। अच्छा फिर, और मतलब आंसर हमारा तो यही हो गया। इसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्या है, सही है गलत है। ऑल द 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर्ड टू रिस्पेक्टिव 4D ऑर्बिटल, ये भी सही बात है।
ऑल फाइव आई ऑल फाइव फोर डी ऑर्बिटल्स हैव सिमिलर शेप सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव थ्री डी ऑर्बिटल। ये भी बात सही है, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन इज 105.8 बीएम पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट है ना ऑफ लिथियम आयन। तो ये क्वेश्चन हमारा अब नीट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखिए अब हमको पता है कि रेडियस बोर्स रेडियस जो होता है वो ए नॉट का ए नॉट इंटू मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर होता है। ठीक है, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी रेडियस का। तो रेडियस ऑफ हमको फाइंड आउट करना है किसका, लिथियम का है ना, लिथियम का फाइंड आउट करना है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर बाई जेड के। तो एन स्क्वायर यानी तीसरे ये थर्ड ऑर्बिट में फाइंड आउट करना है ना। तो लिथियम का हम क्या करेंगे, थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका जेड, लिथियम का कितना होता है ये थ्री होता है। ठीक, और डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ हीलियम है ना, रेडियस ऑफ हीलियम। तो रेडियस ऑफ हीलियम के लिए नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर यहाँ होगा और जेड ऊपर चला जाएगा। तो एन स्क्वायर रेडियस हीलियम के लिए क्या होगा, हीलियम के लिए एन स्क्वायर होगा सेकंड बोर ऑर्बिट। देखिए यहाँ पे दियो सेकंड, यानी इसका क्या करेंगे यहाँ पे टू स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जेड की वैल्यू हीलियम के लिए क्या होती है, टू होती है। ये बात समझ में, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये पावर हट जाएंगे इनके है ना, पावर तो हट जाएगा, बचेगा क्या थ्री बाई टू है ना, ये क्या होगा रेडियस ऑफ लिथियम डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ हीलियम। तो अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो रेडियस ऑफ लिथियम हमारा क्या बनेगा, 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ हीलियम, जो कि हमको दिया हुआ है 105.8 पिकोमीटर है ना। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 158.7 पिकोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज तो नहीं हुए हैं, ये R is proportional to n square by z है। तो R1 upon R2 क्या होगा, n1 square, इसको मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियरली, ये बात समझ में आया, R is proportional to n square upon z, तो ये क्या हो जाएगा, R1 upon R2 is equal to क्या होगा, n1 square upon z1 है ना, multiplied by n1 square, n2 square, यहाँ नीचे और Z2 क्या हो जाएगा, ऊपर है ना। तो ये इस तरीके से अब यहाँ पे हीलियम और लिथियम के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारा आंसर था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। ठीक है, किलो हर्ट्ज में दिया हुआ है, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमिटेड। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो कि नीट 2021 में आया हुआ है। हमको देखिए पता है कि स्पीड जो होती है सी, स्पीड ऑफ लाइट सी क्या होता है, लैम्डा इंटू न्यू होता है। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, c इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इनटू न्यू। c क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यूनिट से ध्यान रखते हैं, c मीटर पर सेकंड, लैम्डा क्या है मीटर और न्यू क्या है पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन यहां पे आएगा। क्लियर है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन न्यू। तो c कितना है, होता है 3 * 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, और न्यू यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, देखिए किलो हर्ट्ज में दिया हुआ है, तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 31.368 इंटू 10 टू द पावर 6, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है इसको लिख सकते हैं 1.3 इंटू 368 इंटू 10 पावर 3 किलो हर्ट्ज। तो किलो को अगर हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 3 से और मल्टीप्लाई मतलब कर देंगे 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई, तो वो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6। ठीक है, ये है, अब इसके बाद ये हो गया, इसको जब सॉल्व कर 219.3 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर होगा। क्लियर, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन ल्यूटीटियम रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो हमको ल्यूटीटियम का ये ऊपर वाला क्या होता है, ये होता है मास नंबर, और नीचे वाला क्या होता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितनी जेड की वैल्यू है वही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हमको पता चल गया यहीं से है ना, और बच रहा है न्यूट्रॉन, तो उसके लिए हमको पता है ए, यानी मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, जेड प्लस
एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर, यानी प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, वो क्या होता है? मास नंबर। तो यहां से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये होगा ए माइनस जेड। ठीक है, तो ये क्या होता है 175 माइनस 71, इसका मतलब ये हो जाएगा 104। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 104। और बाकी प्रोटॉन का नंबर कितना है? 71। और इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा? 71। इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, ये नीट 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। अब इसके बाद इस तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4d5p है ना, 4d5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो डिक्रीजिंग एनर्जी में अरेंज करना है तो हमको पता है n प्लस l रूल, n प्लस l रूल अप्लाई करते हैं। तो 4d के लिए n प्लस l अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस l की वैल्यू है, d के लिए क्या होती है 2, इसका मतलब क्या होगा 6। ठीक है, 5p तो 5 हो गया प्लस p की वैल्यू क्या होती है 1, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 6। अच्छा, उसके बाद क्या है 5f, तो 5 प्लस f के लिए वैल्यू होती है 3, तो ये क्या होगा 8। ठीक है, 6p इसी तरीके से, तो 6p के लिए 6 प्लस 1 इसका मतलब 7। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है 8, तो इसका मतलब 5f क्या होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी। उसके बाद कौन है 7 वाला, यानी 6p होगा, उसके बाद एनर्जी किसकी होगी 6p की, उसके बाद किसका होगा, ये दोनों देखिए सेम है, सेम होता है तो जिसका नंबर ऑफ यानी n जिसका ज्यादा होता है उसको हम उसकी एनर्जी क्या मानते हैं, ज्यादा मानते हैं। ठीक है, उसकी एनर्जी क्या मानते हैं, ज्यादा। इसका मतलब 5p को, फिर उसके बाद 4d को, तो देखिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है हमारा 5p 4d, ये बी वाला ऑप्शन हमारा कट जा रहा है। ठीक है, तो ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, कौन सा रीजन होता है, कौन सी सीरीज होती है, बामर सीरीज होता है। ठीक है, ये भी हमारा नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर, तो इस तरीके से हमको ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड, ठीक है, 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड इज, तो हमको पता है कि एंगुलर नोड क्या होता है, एंगुलर नोड नंबर ऑफ एंगुलर नोड is equal to number of angular node is equal to L, यानी L की value जो होती है वही number of angular node को represent करती है, और जो total number of node होती है, total number of nodes होती है वो होता है N minus 1, है ना। तो अब बताइए एंगुलर नोड कितना है L, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3, है ना, और n माइनस 1 ये टोटल नंबर ऑफ नोड है, n माइनस 1 भी क्या है 3 है, देखिए टोटल नंबर ऑफ नोड भी 3 है, तो इसका मतलब यहाँ से n क्या आ जाएगा 4। तो ये बताइए n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू क्या है 3, तो l की वैल्यू 3 किसके लिए होता है, कौन से सबशेल के लिए होता है, ये होता है f के लिए, है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 4f का ऑर्बिटल होगा ये। ठीक है, तो ये ओडिशा नीट 2019 का क्वेश्चन था, इसमें इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट इज गिवन दैट बोर्स रेडियस ए नॉट इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, ये होता है हमारा रेडियस का फॉर्मूला होता है ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, तो ए नॉट की वैल्यू क्या है 52.9 पिकोमीटर, ठीक है, किसमें है पिकोमीटर में, तो इसका मतलब हमारा रेडियस भी किसमें आएगा पिकोमीटर में, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी टू का स्क्वायर, क्योंकि ये सेकंड बोर ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या होगा 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 211.6 पिकोमीटर। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब हमको क्या पता है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है ना, तो एच मान लीजिए वो भी कांस्टेंट है, वो रख सकते हैं, मास के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी रख सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी तो पता है ही नहीं, तो वेलोसिटी की चीजें ये सब कैसे लेके आएंगे। अब देखिए हमको पता है एम वी आर इज इक्वल टू क्या होता है एन एच अपॉन 2 पाई, तो n की वैल्यू यहाँ पे तो 2 है, सेकंड बोर ऑर्बिट है, तो इसको रखेंगे तो 2 बाई 2 2 पाई, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या h अपान
पाई। तो यहां से हम एच की वैल्यू क्या रख सकते हैं, मान लीजिए क्या हो जाएगा, एम वी आर इंटू पाई, ये रख सकते हैं। इतना समझ में आया? तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये क्या आया हुआ है, एम वी आर इंटू पाई डिवाइडेड बाई एम वी, तो एम वी से एम वी कट जाएगा, बचेगा क्या, आर इंटू पाई। तो आर की वैल्यू यहाँ से हमने निकाला हुआ है, आर की वैल्यू आया है 211.6 पिकोमीटर, और ये क्या हो जाएगा इसके साथ साथ में पाई। तो पहला देख के तुरंत आंसर नहीं लगा रहा, ये क्या है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो इसके साथ पाई भी होना चाहिए, तो इसके साथ यहाँ पे पाई है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर जाएगा, बी वाला। क्लियर है ना, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन, एल प्लस वन, और ये क्या होता है एच बार या एच अपॉन टू पाई। तो एल की वैल्यू अगर हम जीरो रखेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है, सही बात है ये, है ना। एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय थ्री क्वांटम नंबर व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय फोर क्वांटम नंबर। सही बात है, जब किसी ऑर्बिटल की बात करेंगे, जैसे हमने लिख दिया 4s ऑर्बिटल है ना, तो ये क्या होगा, थ्री क्वांटम नंबर से डेजिग्नेट किया जाएगा, जैसे n इज इक्वल टू फोर है ना, l इज इक्वल टू जीरो और m इज इक्वल टू जीरो, ये तीनों आ जाएगा। लेकिन हम अभी यहाँ पे स्पिन यहाँ नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन की, जब ऑर्बिटल ऑर्बिटल की बात स्पिन की बात होगी ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ थ्री क्वांटम नंबर आएंगे, लेकिन अभी यही इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना, तो क्या होता, हमें इसकी स्पिन भी बतानी होती है, ये या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा 1/2, है ना, तो चारों चीजें बतानी होती। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन नाइट्रोजन एटम इज, तो ये बात, ये चीज तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, बट गलती कहाँ पे, यहाँ पे जब सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं तो सबका स्पिन क्या होता है, सेम होता है, तो ये इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, तो अब लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड स्क्वायर इज जीरो, ये बात भी सही है ना, ये अपना नीट 2018 में आया वो क्वेश्चन था। क्लियर, तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा जाएगा, कौन सा, सी वाला। क्लियर, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एच अपॉन फोर पाई, जबकि हमको क्या पता है कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमको ये पता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा दिया है, ये तो हमको गलत दिख रहा है। बट आप ध्यान दीजिए कि चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, जबकि अच्छा आप अभी ध्यान कीजिए कि फोर्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, है ना, ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यही तो होता है फोर्स। तो यहां से डेल्टा पी क्या होगा, एफ इंटू डेल्टा टी, ये बात समझ में। अब क्या करते हैं हम, ये यहां पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी की जगह पे होगा एफ इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। यहाँ से समझ में आया। अब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन हमको एनर्जी को देता है, यानी ये डेल्टा ई को हो जाएगा क्या, डेल्टा ई, और ये डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। इसका मतलब क्या है, देखिए यही चीज तो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। क्लियर है ना। अच्छा बी वाला देखते हैं, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट। तो ये बात तो सही है कि जब भी हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की बात करते हैं तो उनके उनके पास ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है, क्यों, उसके पीछे के ये रीजन है, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, ग्रेटर सिमेट्री होती है, मोर बैलेंस अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। सी वाला देखते हैं, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ये बात बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के जितने भी एटम्स होते हैं, है ना, जैसे हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2 प्लस हो गया, है ना, तो ये जितने भी हैं इन सब में एक शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, डिजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आंसर तो हमारा यही जाने वाला, बट फोर्थ और ऑप्शन भी देख लेते हैं। द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये बात सही है, वेयर एम इज मास पार्टिकल, वी इज ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये बात तो सही है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा जा रहा है, सी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच एन इज इक्वल टू 3 एंड एल इज इक्वल टू 1। तो एन इज इक्वल टू 3 और एल इज इक्वल टू 1 के लिए कौन सा ऑर्बिटल फिट बैठा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, ये हो गया 3 और एल इज इक्वल टू क्या होगा 1 है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा पी ऑर्बिटल, इसका मतलब ये 3p को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3p सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, है ना। अब इसके बाद अगर हमको ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कोई दिया होता तब हम बताते कि वो एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, लेकिन जो पी सब शेल है उसमें तो 3 ऑर्बिटल आ सकते हैं, है ना। तो 3 ऑर्बिटल आएंगे, तो 3 ऑर्बिटल आने का मतलब क्या है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो दो सब में आएंगे, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गया ना, तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा जाएगा बी वाला, क्लियर है ना। अच्छा अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following pairs of d orbital will have electron density along the axis? Axis के along किसकी density होती है? तो वो होती है dz square और dx2y2 की। ये वाला हमारा answer जाएगा। ठीक है, उसमें सोचना ही नहीं है। तो इस तरीके से ये। अब इसके बाद देखते हैं next question, देखिए क्या कह रहा है। Two electrons occupying the same orbital are distinguished by, जब किसी orbital के अंदर दो electron होते हैं तो किससे distinguish किए जाते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर से, है ना। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारा आंसर होगा, तो बी वाला देख लीजिए, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी ऑफ लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। ठीक है, तो ये टाइटेनियम की बात कर रहा है, इसमें ये दिया हुआ ऑर्डर, तो इस ऑर्डर को हम लोग करेक्ट करते हैं। कैसे करेक्ट करेंगे, एन प्लस एल के रूल के अकॉर्डिंग, है ना, एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग एनर्जी आती है। तो देख लेते हैं, 3s मान लीजिए पहले ऑप्शन में चलते हैं, तो 4s है, उसके लिए 4 प्लस s की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, है ना। तो 4s इसका मतलब ये क्या आ गया 4, उसके बाद क्या है 3s है, तो 3 प्लस 0 इसका मतलब क्या है, ये आएगा 3, उसके बाद 3p तो इसका मतलब क्या है, ये आएगा 4 के आगे 3 आ गया, इसका मतलब देखिए यहीं पे हम इस ऑप्शन को इनकरेक्ट मान सकते हैं, ये गलत है। उसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन पे चलिए, ये क्या होगा 3s है पहले, तो 3 प्लस 0 इसका मतलब 3, और यहाँ पे देखिए 3p है, तो 3p के लिए वैल्यू क्या होती है 1, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 4, इसका मतलब ये सही है, इंक्रीज हो गया। उसके बाद 3 प्लस डी, यानी 3 प्लस डी, डी की वैल्यू क्या होती है 2, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो गया 4s, तो 4 प्लस एस, ठीक है, 4 प्लस 0 ये क्या हो जाएगा 4, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए 4 प्लस 5 है बट 4 आ गया फिर वापस, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद देखिए सी वाले ऑप्शन में 3s, 3s की वैल्यू यहाँ पे 3, 3p की वैल्यू देखिए 3p की वैल्यू जस्ट हमने अभी निकाला था क्या था 4, उसके बाद 4s की वैल्यू निकाला, तो 4s की वैल्यू क्या आएगा, 4s की वैल्यू आएगा 4, 4 प्लस 0 यानी 4, है ना, 4, और ये 3d है, तो 3d 3 प्लस 2 यानी कि ये 5 है, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी यहाँ भी देख लेते हैं, 3s 3 प्लस 0 यानी 3 आ जाएगा, 4 प्लस s यानी 4 आएगा, 3 प्लस 1 है ना, p के लिए 1 है, तो 3 प्लस 1 का मतलब 4 हो गया। उसके बाद 3 प्लस d, तो 3 प्लस d का मतलब 3 टू 5, तो ये सही है। बट यहाँ पे देखिए 4, ये दोनों सेम है, तो सेम नंबर ऑफ शेल जब जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, क्लियर है ना। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ यानी z इसका दिया है 26 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके जो Fe2+ के जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं इन सब में उनमें से किसमें नहीं है, उसके इक्वल नहीं है, ये चीज देखना है। तो उसके लिए हमको क्या सबसे पहले पता होना चाहिए Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले Fe का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर Fe2+ का उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, उसके बाद 3d6 और 4s2। तो देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 26 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 6 प्लस 2 ये 6 2 8 6 14 और 2 16 16 6 22 2 24 और 2 ये 26 है ना, ये 26 26 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद जब Fe2+ होगा तो ये दो बाहर गए निकल जाएंगे, तो बचेंगे कौन ये, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहे हैं, डी में हमको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं टोटल 6, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है ये हमसे पूछा जा रहा है, ये बात समझ में आया ना। तो देखिए, तो
अच्छा ए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए डी इलेक्ट्रॉन्स इन एफई। अगर ये मान लीजिए फोर एफई की बात करेंगे तो ये क्या होता, फोर एस टी यहाँ ऐड हो जाता, और जब फोर एस टी होता तो इसमें भी तो डी में सिक्स इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं ना, इसमें भी क्या आ रहे हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर नहीं होगा। और जब पी इलेक्ट्रॉन इन एनी नियॉन, नियॉन जेड इज इक्वल टू 10 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, तो 6 2 2 ये क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या है, सही इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। अब देखिए इसमें देखिए p इलेक्ट्रॉन में कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो जब 6 आ रहे हैं इसका मतलब ये भी मैच कर रहा है ना, तो ये भी हमारा आंसर करेक्ट नहीं होगा। s इलेक्ट्रॉन इन mg, तो s इलेक्ट्रॉन की बात करें 1 मैग्नीशियम का भी लिखना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p6 है ना, और ये क्या होगा 3s2। तो अब s इलेक्ट्रॉन की बात करें तो s में देखिए कौन कौन, सब में सब s में देखिए, ये s, ये s और ये s, तो 2 2 सब में है, तो 2 2 2 ये क्या हो गया 6 टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब ये भी तो सही बात कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। बाकी p इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन में चलते हैं, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 1s2 2s2 2p6 है ना, ये क्या हो गया 3s2 और 3p5 होगा। तो p में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो p ऑर्बिटल में देखिए यहाँ पे तो 5 है और यहाँ पे क्या है 6 है, तो 5 प्लस 6 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन ये मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा जा रहा है, डी वाला आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमको क्या आना चाहिए, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, तो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमको क्या पता है, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन है ना, एच अपॉन टू पाई, क्लियर है, या एच अपॉन टू पाई को लिखा जाता है, एच अपॉन टू पाई को एच बार भी लिखा जाता है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से, अच्छा डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, टू होता है, और जब टू होता है तो वैल्यू रखिए बस फटाफट, टू इंटू टू प्लस वन है ना, और इसको h बार ही लिख देते हैं क्योंकि आंसर हमारा h बार में देना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 into 6 under root 6 into h बार, तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा, देखिए c वाला ऑप्शन, क्लियर है, तो ये हमारा आंसर जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, क्योंकि हमको 3 क्वांटम नंबर दिया हुआ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3 और ये p है ना, तो p की वैल्यू p के लिए मतलब ये क्या है, l की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो 3p, और उसके बाद m1 0 है, 0 किसके लिए होता है, z के लिए होता है, ठीक है, z के लिए, तो ये 3pz की बात कर रहा है, 3pz ऑर्बिटल की बात कर रहा है ना, तो कितने ऑर्बिटल की ये बात कर रहा है, ऑर्बिटल ही पे पहुंच गए हम, एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, क्लियर है ना, ये बात समझ में है एकदम बिल्कुल, दो ऑर्बिटल, इन दोनों से तो हमको सबशेल की बात पता चली, और इससे हमको पता चल गया किसकी, ऑर्बिटल की बात चली, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमको क्या पता चलता है, ऑर्बिटल के, ऑर्बिटल के बारे में पता चलता है, और अगर यहीं पे स्पिन क्वांटम नंबर दिया होता तो हमको किसके बारे में पता चलता, फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल जाता है ना, तो ये इस तरीके से हम देखेंगे इसको। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करेस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, ठीक है, तो इसकी ये क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है ना, और हमसे पूछ रहा है एनर्जी इन जूल, ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला जो मैंने सबसे पहले अभी आपको बताया था वो क्या था, 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखना है, और एनर्जी हमारी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, है ना, ये सिंपल फॉर्मूला, बाकी आप एच न्यू से करेंगे वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो ये हो जाएगा क्या, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा को हम यहाँ नैनोमीटर में है तो एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 450 एंगस्ट्रॉम है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आने वाली है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 27.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है, जूल में, तो हमको क्या पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल है ना, जूल में, तो इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाएगा जूल में एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा 27.7 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 4.42 × 10⁻¹⁸ जूल, ठीक है, ये हमारा आंसर आता है, इसका मतलब देखिए कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन अपना सही जा रहा है इस तरीके से, बाकी आप दूसरा वाला वो कर सकते हैं, वो भी यूज, जो हमको पता है कि ई बराबर क्या होता है
HC अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो H की वैल्यू रखेंगे 6.62 इंटू 10 पावर 34 और C की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 और इसको जो है स्टैंडर्ड यूनिट में 45 इंटू 10 पावर 9 मीटर करके रखेंगे तो वो भी वैल्यू हमारी सेम आने वाली है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Be2+ यानी बेरिलियम आयन जो है इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो Be नॉर्मल बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर कितना है, Z। लेकिन जब Be2+ हो जाएगा, Be2+ इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, H+ में तो 0 इलेक्ट्रॉन, Li+1 में तो देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो 1 प्लस है तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये इससे मैच कर रहा है, आंसर तो हमारा यही जाने वाला है, बट बाकी को भी चेक कर लेते हैं। Na+ इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि 11 होते हैं, 11 माइनस ये क्या होता है, 11 माइनस 1 क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये 12 है माइनस 2 होगा तो ये क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आएंगे तो ये नहीं है। तो इसका मतलब Li+1 हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो देखिए जब भी देखिए ये क्या है, शेल को बताएगा, ये सब शेल को बताएगा, यानी ये क्या है, पी सब शेल को बता रहा है और ये क्या है, ऑर्बिटल्स को बताता है। तो ये ऑर्बिटल को, ये ऑर्बिटल हम पहुंच रहे हैं तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन, बस यहीं से हम समझ सकते हैं इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा जा रहा है, 2 वाला, ठीक है। तो ये है हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बेस्ड ऑन इक्वेशन E इज़ इक्वल टू -2.178 इनटू 10 टू द पावर -18 जूल जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। सर्टेन कंक्लूजंस आर रिटन, व्हिच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है ये हमसे पूछ रहा है। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट, है ना। तो भाई जब एक ऑर्बिट की एनर्जी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट की भी इनकी वैल्यू चेंज करके निकाल सकते हैं, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, है ना। तो कितनी एनर्जी में चेंज आए वो हम आसानी से इस इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं, ये बात सही है इसका मतलब। सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, फॉर एन इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर एन इज इक्वल टू 6, विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड, मोर लूजली इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट, है ना। तो ये बात गलत है, क्यों, क्योंकि ये बात तो सही है, पहले यहां तक तो बात सही है, n is equal to 1 है तो इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी, यहां से देख सकते हैं 1 रखेंगे तो मोर नेगेटिव आएगा, अगर पे 6 रख देंगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, छोटी होने का मतलब क्या है, इसका ये जो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी वो कम हो गई, है ना। तो ये बात तो सही है, बट जितने ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है इसका मतलब वो शो करता है कि इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से बाउंडेड है। ये बताइए ये वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट वाला ज्यादा अच्छे से बाउंडेड होगा कि 6 वाला, फर्स्ट वाला, है ना। तो फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छे से बाउंड होगा, इसका मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये आंसर तो हमारा यही जाने वाला है। बट लास्ट वाला भी चेक करते हैं, द नेगेटिव साइन इन द क्वेश्चन सिंपली मींस दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इफ इलेक्ट्रॉन वर एट इनफिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, सही बात है बिल्कुल। लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस, ये भी सही बात है, है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा जाने वाला है, बी, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 पावर 17 नैनोमीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट किसमें दिया, नैनोमीटर में दिया हुआ है। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटम लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 पावर 15 पर सेकेंड, ठीक है। हमको पूछ रहा है वेवलेंथ और किसमें, नैनोमीटर में पूछ रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट हमको नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो सिंपली हमको क्या पता है, C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा पता करना है तो क्या हो जाएगा, C अपॉन न्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा C अपॉन न्यू, तो C हमको किसमें दिया है, 3 इंटू 10 टू द पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड में, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर किसमें आएगा, ये लैम्डा नैनोमीटर में आएगा, क्यों, क्योंकि हमने स्पीड को नैनोमीटर में रखा हुआ है, स्पीड को नैनोमीटर में रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3/2 और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 2 का मतलब 100/2, इसका मतलब 15 नैनोमीटर हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर जाएगा,
ए वाला आंसर है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से इसको देखेंगे। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64 है। तो गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको ध्यान रखना है, वो होता है 4F75D1 है ना, और 6S2, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है, इस तरीके से इसको याद रखेंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब इन अर्क्स पर मोल, ठीक है, अर्क्स पर मोल पूछ रहा है। अर्क ये क्या है, सीजे सिस्टम के अंदर पर मोल पूछ रहा है। तो हमको क्या पता है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा या एच न्यू पूछता है, ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, ये हमको पता है। ये एक फोटोन की होती है ना, लेकिन अगर हमको Na फोटोन, ये पर मोल पूछ रहा है ना, तो हमको Na फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तो Na से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आया, तो बस सिंपली क्या करना है, अच्छा सीजीएस सिस्टम में पूछा है यानी अर्क से पूछा है, तो ये जो एच सी यानी सी जो वैल्यूज रखेंगे हम सीजीएस सिस्टम के हिसाब से रखेंगे। तो ये देखिए अर्क में दिया हुआ है, तो यानी कि एच की वैल्यू 6.62 × 10⁻²⁷, सी की वैल्यू हमको सीजीएस में रखना पड़ेगा 3 × 10⁻¹⁰ सेकेंड, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा लैम्डा, तो लैम्डा एच सी अपॉन लैम्डा हो गया, और एनए की वैल्यू 6.022 × 10⁻²³, ठीक है। तो ये जब रखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 23, ये 4 का डिफरेंस, और 10 × 4 ये आ जाएगा 1.196 × 10⁻¹⁶ अपॉन लैम्डा, ठीक है, ये हमारा यहाँ से आंसर आने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें कैलकुलेशन है, ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल विद एल इज इक्वल टू 3 एंड एन इज इक्वल टू 4 इज, तो एल इज इक्वल टू 3 है और एन इज इक्वल टू 4, तो 4 एल की वैल्यू 3 किसके लिए होता है, एफ के लिए है ना, तो एफ 4F है। अब 4F जो होंगे, 4F ये क्या है, 6 को रिप्रेजेंट करेगा, सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो F वाले सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 होते हैं, कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 जो सब में क्या आएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन आएगा है ना, दो दो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर हमारा ए जाएगा। बाकी फॉर्मूला हमको पता है 2 × 2L+1, ये भी हमारा फॉर्मूला है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तो आंसर सेम आने वाला है, 2 × 2L की वैल्यू क्या है 3 है ना, तो प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, ये 7 × 2 ये क्या हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम अपना आंसर यहाँ निकालेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम, तो रुबिडियम एटम के लिए हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता होना चाहिए, तभी हम बताएंगे इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका उसका क्वांटम नंबर क्या बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रुबिडियम का बनता है, रुबिडियम क्या है 37, तो उसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और ये 5s1, ये इसका क्या होता है रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। अब देखिए वैलेंस शेल का मतलब सबसे लास्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट शेल में हो, तो लास्ट शेल कौन सा मिल रहा है 5 है ना, इससे छोटा तो सब 4, 3, 2 है, तो 5 ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका क्वांटम नंबर क्या होगा, एन इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल रहा है 5 है ना, एल इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 0 है ना, एम इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 0 है ना, और स्पिन क्वांटम नंबर इसका प्लस माइनस 1/2 कुछ भी हो सकता है, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 है ना, तो ये हो गया। तो यहाँ से देखिए कौन सा मैच कर रहा है, एल इज इक्वल टू 0 एम इज इक्वल टू 0 बाई प्लस माइनस 1/2, यानी कि मतलब सी वाला आंसर हमारा मैच कर रहा है, तो सी वाला करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है ना। तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमको पता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच
अपॉन 2 पाई, ये एंगुलर मोमेंट का फॉर्मूला है। तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 रखेंगे अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 1, है ना, h अपॉन 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 2, तो इज इक्वल टू रूट 2 एच अपॉन 2 पाई। इसको सॉल्व और सॉल्व करेंगे तो इसको कर सकते हैं h अपॉन रूट 2 पाई, है ना, इसको लिख सकते हैं 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 रूट 2 कट जाएगा, बचेगा एच अपॉन रूट 2 पाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, क्लियर है ना। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल, है ना, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं किसी एनर्जी लेवल पे, ये देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, है ना, इन ए शेल, किसी शेल में या एनर्जी लेवल पे कितने होते हैं, एन स्क्वायर के बराबर होते हैं, तो किस में पूछ रहे हैं, फोर में, तो फोर में फोर का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 16, इसका मतलब ये क्या है, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन था 16, ये चीज हमको याद होनी चाहिए। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनर्जी एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ्स, है ना। तो हमने क्या बताया था, फॉर्मूला सिंपल, आपको एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना होता है तो वो होता है 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखना होता है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, ये हमको पता है। तो यहां से एनर्जी क्या है, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। तो या वैसे भी हमको पता है E is equal to क्या होता है, H C upon lambda, यहां से भी देख सकते हैं, बाकी ये फॉर्मूला हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अब हमको पता क्या करना है, मान लीजिए लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी E2 नीचे आएगा और E1 ऊपर आएगा, तो E2 कितना है 50, तो 50 क्या जाएगा नीचे और E1 कितना आएगा ऊपर, यानी क्या आ जाएगा ये 25, ये क्या आ गया 2, इसका मतलब लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, या लैम्डा 1 इज इक्वल टू यहां से आ रहा है 2 इंटू लैम्डा 2, ठीक है, तो ये हमारा सही सेट है। अब कौन सा आंसर है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा 2, बी वाला आंसर हमारा करेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये तो सिंपल रिलेशन है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, If n is equal to 6, the correct sequence for filling of electrons will be, ठीक है, correct sequence, तो किसके किस sequencing किसके किस rule के through हम fill up करते हैं electrons को, n plus l rule के according, सबसे पहले check करते हैं ना, यानी कि increasing order of energy में arrange करते हैं, उसके बाद हम filling of electron करते हैं, तो ये क्या होगा, n plus rule, l rule apply करते हैं, तो देखिए पहले में देखिए इसके लिए ये क्या हो जाएगा, n प्लस रूल एल रूल, तो n की वैल्यू क्या है 6 प्लस s की वैल्यू क्या है 0, तो ये पहला हो गया। फिर उसके बाद देखिए n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई f, है ना, n माइनस 2 प्लस f की वैल्यू होती है 3, उसके बाद n माइनस 1 और प्लस करेंगे d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होती है 2, है ना, ये 2, उसके बाद n p हो रहा है, तो n प्लस p, p की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो अब हम 6 यहाँ पे, अच्छा ये 6 होगा, ये 6 है, इनकी वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6, ठीक है, ये 6 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 5, और ये क्या है, ये तो 6 है ही, तो 6 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 7, ये 6 और ये 4 प्लस 3 7, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 ये 7, और ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो सब में देखिए, अच्छा उसके साथ साथ क्या है, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिए, ये शेल नंबर है, ये क्या आ रहा है, ये शेल नंबर आ रहा है, ये 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो तीनों का तो सेम आ रहा है n प्लस l, लेकिन इनका शेल नंबर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इनकी एनर्जी भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी, इसका मतलब ये ऑर्डर तो सही दिया हुआ है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर तो हमारा यही है, बाकी का आपका काम है, ये बाकी ऑप्शन को आप चेक करिएगा, बाकी ऑप्शन सारे आपको गलत मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये सबका ये इतना क्या है, ये इतना ओवरऑल शेल नंबर दिया हुआ है, ये इतना क्या है शेल नंबर दिया हुआ है, ये इतना n, ये तो शेल नंबर है ना, तो ये शेल नंबर है, इसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे, ठीक है, ये ओवरऑल इस सब शेल के लिए n का नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे। बाकी इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन, n इज इक्वल टू 6 2, n इज इक्वल टू 1, जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 तक, यहाँ पे देखिए वैल्यूज कितने दिए, 6 तक मैक्सिमम दिए हुए, अब हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6,
तो हमने क्या बताया था, जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते हैं डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है ना। यहाँ का डेल्टा ई सबसे ज्यादा, फिर यहाँ का डेल्टा डी उससे कम, यहाँ का डेल्टा ई उससे कम, है ना, यहाँ का डेल्टा ई उससे कम, तो ये डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो एन इक्वल टू 6 टू एन इक्वल टू 1, तो यहाँ से यहाँ का एनर्जी गैप क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। फिर एन इक्वल टू 5 टू 4, 5 टू 4 में देखिए कुछ एनर्जी का डिफरेंस होगा, 6 टू 5, तो 6 टू 5 ये एनर्जी का डिफरेंस है, और 5 टू 3, 5 टू 3 का देखिए ये एनर्जी का डिफरेंस है। तो बताइए कौन सी एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम होगा, जो सबसे दूर होगा। तो 5 और 6 देखेंगे ये सबसे दूर है ना, तो इनका एनर्जी का डिफरेंस क्या आएगा, सबसे कम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन सा आंसर जाएगा, 5 टू 6 वाला, यानी कि 5 टू 6, 6 टू 5, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जाने वाला है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डेल्टा ई डिक्रीजेस। ठीक है, डेल्टा ई डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग एन, ठीक है, इंक्रीजिंग शेल नंबर। ठीक, ये है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ए बॉल 0.66 केजी बॉल बॉल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी, तो हमको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी। तो एच की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, है ना। सब चीजें एसआई यूनिट में रखना है, मास किस में है, केजी में, ठीक है, 0.66 मल्टीप्लाइड बाई स्पीड कितना है, 100 है। ठीक है, ये कितना जाएगा, ये 10 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये कितना जाएगा, ये 10 टाइम्स जाएगा। उसके बाद ये अपना एक 10 से यहाँ पे निकाल सकते हैं, उसके बाद बचेगा कितना, 10 टू द पावर माइनस 35, है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हम समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। बाकी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और फिर नीट को क्रैक करिए आसानी से। ठीक है।